अस्सलाम वालेकुम, मैं तौसीफ बुखारी ओवरसीज पाकिस्तानी हांगकांग से, मैं पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हूँ। अभी मैं रहीम यार खान के ड्राइविंग टेस्ट सेंटर से ड्राइविंग टेस्ट देकर निकला हूँ और इस ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के सारे सिलसिले में जहाँ कुछ कॉम्प्लिकेशन थी वहाँ पे कुछ हेल्प भी हमें मिली। और ख़ास तौर पे जो मेरा मकसद है, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैडम जरमीन मजारी साहबा का, जो डायरेक्टर हैं जनूबी पंजाब के वुमेंस के लिए, क्योंकि उनकी मेहरबानी से, उनकी तवज्जो से मेरी, चूँकि वाइफ हैं चाइनीज़ हैं वो, तो उनके लिए उन्होंने स्पेशल जो है ना आवाज़ उठाई और उन्होंने पुश किया डिपार्टमेंट को, और इनकी हेल्प की वजह से मेरा ये काम भी मुकम्मल हुआ। ना सिर्फ मेरा काम मुकम्मल हुआ बल्कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये 2 महीने से काम रुका हुआ था, और मैडम जरमीन मजारी साहबा की तवज्जो से ये सारा काम शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे धड़ाधड़ आज सारा दिन लाइसेंस बनने वालों का काफ़ी रश देखा, हमने भी टेस्ट दिया, बहुत से लोगों ने भी और ने भी, और बाकी यह कि भी मैं इसलिए उनका शुक्रिया, स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पे मेरी वाइफ वांगवाई मरीना की तरफ से मैडम जरमीन मजारी को बहुत बहुत सलाम और उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें खसूसी तवज्जो से नवाजा। अभी भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स देखने में आई हैं इसके ड्राइविंग लाइसेंस के बनने के तरीकाकार में, इंशाल्लाह वो कोई पॉलिसी बेटर्स कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है, वो इंशाल्लाह मैं आपको जो भी मैं फीडबैक मैंने देखी है यहाँ पे इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो अगेन मैं मैडम जरमीन मजारी साहबा का और चौधरी इफ्तखार साहब का, सलीम अख्तर सिद्दीकी साहब का, सबका शुक्र गुज़ार हूँ, और ख़ास तौर पर DPO RPO शेर अकबर साहब का और DPO अली ज़िया साहब का। उसके अलावा जो ट्रैफिक का अमला था यहाँ पे, असकर साहब जो कायम मकाम इंचार्ज थे, उनका और उनके सारे स्टाफ का खुसूसी तौर पे, उनमें शाहिद साहब और अब्दुल गफ्फार साहब, उनका मैं बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें स्पेशली अटेंड किया, बहुत तवज्जो से काम किया, और बल्कि हमें ही नहीं वो सबको ही तवज्जो से और बड़ी उन्होंने लगन से उनके काम को निपटा रहे थे आज, और बड़ा अच्छा दिन गुजरा। लेकिन पूरा दिन लग गया, इस प्रोसेस को थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए, और इस सिलसिले में ये है कि भी जिन लोगों को जो आके यहाँ पे ई टेस्ट दे चुके हैं उनको फिर कई घंटों वेट करना पड़ता है, वो ई टेस्ट लाहौर से इनका अपलोड होता है, फिर वाकफ इनको फिर वो कन्फर्मेशन मिलती है, फिर इनका रोड टेस्ट शुरू होता है। तो इस सिलसिले में कुछ खवातीन भी आई हुई थी, बच्चियाँ भी आई हुई थी, वो भी गर्मी से तंग आकर फिर वो बगैर टेस्ट दिए के आज चली गई, तो हालांकि रिटर्न टेस्ट उन्होंने पास कर लिए हुए थे, तो उनको अब दोबारा आना पड़ेगा कल, रोज़े की वजह से गर्मी भी है और दिक्कत भी होती है, तो ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। बहरहाल और जरमीन मजारी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।